प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को नींद कम या ज़्यादा क्यों आती है? क्या प्रेगनेंसी के दौरान नींद में आए बदलाव से गर्भ में लड़का या लड़की होने का अनुमान लगाया जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पर आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जिन्हें प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद से ही तीसरी तिमाही तक नींद से संबंधित समस्या रहती है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा नींद आती है या फिर बहुत कम नींद आती है। इसके पीछे क्या कारण है, यह किस बात का संकेत है? क्या प्रेगनेंसी के दौरान नींद कम या ज्यादा आना गर्भ में लड़का या लड़की होने का अनुमान लगाने में आपकी मदद कर सकता है? अगर आपको इससे रिलेटेड कोई समस्या हो रही है और आप चाहती हैं कि आपको नींद अच्छी आए या फिर ज्यादा आ रही है तो इसे कम कैसे किया जाए, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, पूरा जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को नींद ज्यादा या कम आना, इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि पहली तिमाही के दौरान महिलाओं को नींद ज्यादा क्यों आती है। तो देखिए, पहले 3 महीने यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो 3 महीने होते हैं, इस दौरान क्या है कि महिलाओं को शुरुआती सिम्टम्स ज्यादा फील होते हैं, यानी कि इस दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कुछ महिलाओं का खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, जिससे उन्हें थकान, कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होती है, आलस भरा रहता है और उन्हें नींद बहुत ज्यादा आने लग जाती है। तो शुरुआती प्रेगनेंसी में आपके हार्मोन्स के इनबैलेंस होने की वजह से आपको ज्यादा नींद आ सकती है। वहीं अगर आपको पहले 3 महीने के दौरान नींद कम आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स का लेवल ऊपर और नीचे हो रहा है, इसका प्रभाव आपकी नींद पर पड़ रहा है। अगर आपको यूरिन से रिलेटेड समस्या हो रही है, यानी कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में अगर आपको बार बार टॉयलेट आता है, तो इससे भी आपको कम नींद आ सकती है। अब जानते हैं तीसरी तिमाही के दौरान महिलाओं को नींद ज्यादा क्यों आती है, वो हर समय बिस्तर पर लेटना पसंद क्यों करती हैं। देखिए, तीसरी तिमाही आते आते गर्भवती महिलाओं का वजन काफी बढ़ जाता है, बच्चे का वजन भी बढ़ जाता है, पेट भी ज्यादा हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि वो इमोशनल और फिजिकली उन पर स्ट्रेस बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा सोचने लग जाती है कि कहीं उनका बच्चा हेल्दी है या नहीं, कहीं उनके बच्चे को किसी बात को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरह से जब महिलाएं इमोशनल स्ट्रेस लेने लग जाती हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सिजेरियन करवाना पड़ेगा, तो इससे भी क्या है कि उनके जो इमोशंस हैं वो उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं और वो हर समय प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान बेड पर लेटना ही पसंद करती हैं। वैसे तो प्रेगनेंसी की पहली और तीसरी तिमाही के दौरान नींद ज़्यादा आना या कम आना एकदम से नॉर्मल है, क्योंकि एकदम से आपकी बॉडी में जब बदलाव आते हैं, आपके गर्भाशय का आकार बढ़ता है, बच्चे का वजन बढ़ता है, शुरुआती समस्याएं होती है, तो इसका प्रभाव आपकी नींद पर पड़ने लग जाता है। एकदम से नॉर्मल है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइम तक नींद से संबंधित समस्या हो रही है तो इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण भी हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है कि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे महीने के दौरान क्या होता है कि महिलाओं का जो ब्लड प्रेशर होता है, इस दौरान महिलाओं का ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें थकान, कमजोरी, चक्कर आना, ऐसी समस्याएं होने लग जाती है और उन्हें नींद ज़्यादा आती है। यानी कि कमजोरी होने की वजह से भी महिलाओं को शुरुआती 3 महीने में नींद ज़्यादा आ सकती है। दूसरा कारण है, प्रेगनेंसी की दूसरी या तीसरी तिमाही के दौरान अगर गर्भवती महिलाओं को नींद ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ गया है, या फिर उनकी बॉडी में अगर फॉलिक एसिड या आयरन की कमी आई है, यानी कि उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, इससे भी महिलाओं को आलस भरा रहता है, नींद ज़्यादा आती है। तीसरी बात, पहली और तीसरी तिमाही के दौरान महिलाओं के शरीर के कुछ अंगों में दर्द रहता है, जैसे कि सिर में दर्द रहना, पेट में दर्द रहना, पैरों में दर्द होना, तीसरी तिमाही में पैरों में सूजन आ जाना, कमर में दर्द होना, तो इससे क्या होता है, जब उन्हें समस्याएं होती हैं, पेन होता है, तो वो सोचती हैं कि वो बेड पर लेट ही रहें और इस वजह से उन्हें ज़्यादा नींद आने लग जाती है। चौथा कारण है, प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान महिलाओं का जब गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है, बच्चे का आकार बढ़ जाता है, पेट का साइज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है कि रात के समय उन्हें जैसे कि लिक्विड वाली चीज़ें कोई ज़्यादा सजेस्ट करते हैं डॉक्टर, लिक्विड वाली चीज़ें ले रही हैं, पानी ज़्यादा पी रही हैं,
तो उन्हें बार बार टॉयलेट आता है, यानी कि यूरिन पास करने के लिए उन्हें उठना पड़ता है। क्योंकि ज्यादा समय तक आपको तीसरी तिमाही के दौरान क्योंकि तीसरी तिमाही के दौरान आप ज्यादा समय तक यूरिन को स्टोर नहीं कर पाते हैं, तो इससे जब प्रेशर आता है तो आपको जाना पड़ता है, और इससे आपकी बार बार नींद टूट जाती है। नींद ठीक से ना आने की वजह से आपको कमजोरी, थकान, चक्कर की समस्या हो सकती है, और इसी वजह से आपको आलस आ सकता है, ज्यादा नींद आ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी की पहली और तीसरी तिमाही के दौरान आपको नींद कम या ज्यादा आ सकती है। अब जानते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान नींद से संबंधित समस्या हो रही है, तो वो कौन सी टिप्स फॉलो करनी है जिससे कि आपको नींद भी अच्छी आए और आपके बच्चे का विकास भी अच्छे से हो। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप नींद पूरी नहीं करती है तो आपके बच्चे की हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ता है। क्योंकि गर्भवती महिलाएं जितने समय तक नींद लेती हैं, उनके गर्भ में पल रहे बच्चे तक प्लेसेंटा के जरिए जरूरी न्यूट्रिशन पहुंचते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और ब्लड की सप्लाई होती है, जिससे उनका बच्चे का पेट भरता है और बच्चा हेल्दी हो जाता है। अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लेती हैं तो आपका बच्चा कमजोर हो सकता है, आपकी सिजेरियन डिलीवरी भी हो सकती है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कम नींद आ रही है तो इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करिए, जिनसे आपको थकान ज्यादा होगी तो आपको नींद अच्छी आएगी। अगर आपको ज्यादा नींद आ रही है, आपको इससे दिक्कत हो रही है, तो आप डॉक्टर से एक बार कंफर्म कर सकती हैं कि कहीं ये गर्भ में पल रहे बच्चे को होने वाली किसी समस्या का संकेत तो नहीं है। दूसरा, आप बॉडी मसाज भी ले सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको कम नींद आ रही है तो आपको हाथ पैरों की मालिश करनी चाहिए, सर की मसाज करनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और आपको नींद भी अच्छी आती है। अब जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान आपको वो कौन सा संकेत नजर आता है जिसकी मदद से आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा या लड़की। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान अगर महिलाओं को थकान, कमजोरी, चक्कर, ऐसी समस्याओं के साथ नींद बहुत ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है आपके घर में पल रहा जो बच्चा है वो 100% लड़की ही होने वाली है। वही जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान कमजोरी, थकान, आलस, चक्कर कम आता है, बॉडी एक्टिव रहती है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में पल रहा जो बच्चा है वो 100% लड़का ही होने वाला है। प्रेगनेंसी के दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान लेफ्ट साइड करवट लेकर सोने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, नींद भी अच्छी आती है, तो इसका मतलब है आपके घर में पल रहा जो बच्चा है वो बेबी बॉय होने वाला है। और अगर आपको राइट साइड करवट लेकर नींद अच्छी आती है, कंफर्टेबल फील करती है, तो इसका मतलब है आने वाला जो बच्चा है वो बेबी गर्ल है। तो फ्रेंड्स, आपकी नींद में आए ये कुछ बदलाव हैं जिनकी मदद से आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में पल रहा जो बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की। उम्मीद करती हूँ वीडियो देखने के बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन अपने लिए अच्छी लगेगी। अगर आपको इसके अलावा भी नींद से रिलेटेड कोई और समस्या है, आप मुझे कमेंट में बता सकती अगर हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।